कि 7 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पे चलेंगे, कल 7 तारीख है, उसमें खाप प्रतिनिधि जाएंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के वे उसमें जाएंगे, 7 तारीख में ही सबको बता देंगे, फिर उसी आधार पे आगे काम चले थे सब, कि जो घटनाक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में जाके जिन लड़कियों ने FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई। कल सलाह मशवरे के लिए खाप चौधरी वहां पे जाएंगे, उनका प्रतिनिधि जाएंगे और वहां पे पहलवान भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सब आपस में बैठ के सलाह मशवरा करेंगे। पहलवानों ने जिथे हूँ किसानों का सहयोग मिलिट्री साहब उत्थे ही राकेश शिकैत ने कहा है कि असी 7 मई नूं सारे ब्योदबंदी बनावांगे ते महापंचायतां इकट्ठियां हो गईआं ने ते पंजाब दे विच उग्राह ग्रुप भी जाएगा। जिहड़ी चौथे रात नूं घटना वापरी उहदे ते दुख प्रगटाउंदे आ, अज भी उत्थे वकीलां दा बहुत वड्डा वफद गया, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इन्हां दे बाहर इन्हां दे वकील भाईचारा हर रोज़ उन्हां दी समर्थन वास्ते जांदा है। जिहड़ा उत्थे पानी दा कनैक्शन कट दित्ता गया उहदे ते भी उन्होंने बहुत दुख प्रगटाया है, निंदा कीती है कि सरकार जी ये सरकार सदा रहनी नहीं जे देश दी जनता नूं इसे तरह दुख देवोगे। पहलवानों ने जिथे हुण किसानां दा सहयोग मिलिट्री साहब उत्थे ही राकेश शिकैत ने कहा कि असी 7 मई नूं सारे ब्योदबंदी बनावांगे ते महापंचायतां इकट्ठियां हो गईआं ने ते पंजाब दे विच उग्राह ग्रुप भी जाएगा जी। राकेश शिकैत साहब कल भी उत्थे सी, अज भी उत्थे है जी। जिहड़ी चौथे रात नूं घटना वापरी उहदे ते दुख प्रगटाउंदे आ, अज भी उत्थे वकीलां दा बहुत वड्डा वफद गया और दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इन्हां दे बार इन्हां दे वकील भाईचारा हर रोज़ उन्हां दी समर्थन वास्ते जांदा है। राकेश शिकैत साहब ने कहा कि नक्क दे विच दम लिया दांगे, उत्थे कल नूं खाप पंचायतां हो रहीआं ने, कुछ किसान फड़े गए सी जिवें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे कुछ कारकुन भी सी, पंजाब नाल संबंधित हरियाणे नाल संबंधित यूपी नाल संबंधित दिल्ली नाल संबंधित कई होर राज्यां नाल संबंधित हरियाणे नाल संबंधित वो सारे छड्ड दित्ते गए है। और ये खाप पंचायतां ते कल नूं वह कहिंदे असीं वड्डी मीटिंग नहीं करनी, असीं चुनिंदा आगूआं नूं सद्दा दित्ता ते बह के इत्थे गलबात करांगे, उस गलबात दे विच ये संघर्ष किवें लड़िया जाणा इहदी रूपरेखा करांगे जी। जिहड़ा उत्थे पानी दा कनैक्शन कट दित्ता गया उहदे ते भी उन्होंने बहुत दुख प्रगटाया है, निंदा कीती है कि सरकार जी ये सरकार सदा रहनी नहीं जे देश दी जनता नूं इसे तरह दुख देवोगे। अभी मुजफ्फरनगर में है, यहाँ पे कुछ मीटिंग चल रही है और ये निर्णय लिया जा रहा 2-3 दिन से कि 7 तारीख में दिल्ली जंतर मंतर पे चलेंगे, कल 7 तारीख है, और उसमें खाप प्रतिनिधि जाएंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के वे उसमें जाएंगे और वहां पे निर्णय लेंगे और जो भी फैसला होगा हम करीब 3 बजे के आसपास तक 3-4 बजे तक वो फैसला प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो 7 तारीख में ही सबको बता देंगे, फिर उसी आधार पे आगे काम चले फिर समाज का, क्योंकि खाप के जिम्मेदार लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि जो घटनाक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे जो पहलवान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में जाके जिन लड़कियों ने FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी रिपोर्ट के आधार पे गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये सारे मामले हैं, इसमें बातचीत करेंगे। तो उसमें ये नहीं कि बहुत भीड़ वहां पे पहुंच जाए, जब जब जरूरत होगी आप लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ में सलाह मशवरा नहीं होता। कल सलाह मशवरे के लिए खाप चौधरी वहां पे जाएंगे, उनका प्रतिनिधि जाएंगे और वहां पे पहलवान भी होंगे, लड़कियां भी होंगी,
सब आपस में बैठ के सलाह मशवरा करेंगे। दिल्ली पुलिस से भी है कि प्लान ये ना करें कि उनको रोकेंगे बॉर्डर पे, उनको थाने में बैठाएंगे। आप जिसको भी अगर रोकोगे, किसी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की ये प्लान है कि हम खाप चौधरियों को रोकने का काम करेंगे, तो उनको रोकने का काम नहीं करें, जो थाने में लेके जाएंगे फिर भी वापसी नहीं आएंगे, उसी थाने में फिर पंचायतें होंगी। हम अपनी मीटिंग कर गए, उसके बाद में कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हो, उनसे भी हम अपनी मीटिंग करें और इसका एक समाधान की तरफ इसको लेकर चले। पुलिस प्रशासन का क्या रुख इसमें सरकार का है, पहलवानों का क्या है, खाप पंचायतों क्या है, आगे का क्या निर्णय रहेगा, तो हम बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय पहलवान। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगी हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।